नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पांच राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद आज झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक भगवा रंग का वस्त्र पहनकर विधानसभा पहुंचे। सभी ने कहा कि यह जीत की खुशी है, इसलिए यह जीत का प्रतीक है। योगी और मोदी जी को बधाई देने के लिए यह वस्त्र पहना गया है। ये भगवा हमारे हिंदू संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी भगवा मैं करेगी पूरे देश को, और झारखंड में बहुत जल्द भगवा मैं आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में मेजोरिटी के साथ झारखंड में आपको दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में एनडीए यूपीए के बाद अब तीसरा मोर्चा का गठन किया गया है। इस मोर्चा का नाम झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया है। इसमें निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के सुदेश महतो, लंबोदर महतो और एनसीपी के कमलेश सिंह, बरकट्टा विधायक अमित यादव शामिल हैं। इसकी घोषणा शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के बाहर सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। सुदेश महतो ने कहा है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस मोर्चा का गठन किया गया है। आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे, तो हम सभी लोगों ने जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलके ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से नेतृत्व दे पाना शायद सहज हो पाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों ने मन बनाकर इस मोर्चा का गठन किया है। वहीं आज राजधानी रांची के मोराबादी स्थित गीतांजलि बैंकवेट हॉल में बिहार के पशु व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा वीआईपी पार्टी को झारखंड में लॉन्च किया गया। सैकड़ों की संख्या में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि वह और पार्टियों के जैसे नहीं हैं जो जनता से वादा करते हैं और मुकर जाते हैं। वो जो वादा करते हैं उसे वह पूरा करते हैं। जल्द ही झारखंड में भी वीआईपी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और झारखंड में झारखंड वासियों के लिए अच्छे से अच्छा काम करेगी। देश में विकास सिर्फ 5 किलो चावल से नहीं है। देश में विकास होगा जब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर काबिल होगा, उसको नौकरी मिल जाएगा। तो हमारी लड़ाई है कि देश में गरीब समाज के लोगों को आज कहीं ना कहीं देश में लोगों को गुमराह किया जाता है कि देखो हम तुमको चावल दे रहे हैं इसलिए तुम हमको वोट दो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर गरीब समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये देश का चावल जो है वो आपका अधिकार है। रोड अगर बनाना है, स्कूल बनाना है, ये सब आपके अधिकार है। लोग ये करना चाहिए, जो भी सरकार में आएंगे चाहे देश में प्रधानमंत्री जो भी हो, उनका कर्तव्य है कि ये सब जाति धर्म के लिए हर गरीब के लिए काम करे। लेकिन कोई काम करके और फिर वो अगर एहसान जताते तो मुझे लगता है कि वो गलत है, और इसके लिए हम लोगों को देश में लोगों को जागरूक करना है, पिछड़े गरीब समाज को, दलित समाज को। मंत्री जी, 1 करोड़ लड़ने की तैयारी है? जी, निश्चित तौर पे 2024 में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग बिहार में लड़ रहे हैं उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, और मजबूती से पहले तो हम लोग संगठन को खड़ा करेंगे 2 साल। लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू के खिलाफ अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान यह सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को कार्बाइन 9 mm का कारतूस भी वहां से बरामद किया गया है। जोबांग थाना क्षेत्र के पुतरार जंगल से यह सब बरामद किया गया है। लोहरदगा SP प्रियंका मीणा के दिशा निर्देश पर यह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं बात करेंगे चतरा की। चतरा जिले के हंतरगंज प्रखंड के चकला गांव निवासी दीपक यादव को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना महंगा पड़ गया। इस झगड़े की कीमत दीपक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दीपक यादव चकला गांव निवासी कामेश्वर यादव के बेटे हैं। बताया जाता है कि दीपक की शादी हंतरगंज प्रखंड के बेला गांव निवासी नरेश यादव की बेटी से 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी है। इस दौरान 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई। ससुराल वालों के उकसाने पर दीपक ससुराल पहुंच गया, जहां ससुराल वालों ने उसे जहर खिला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी सचिन दास मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह सुबह टाइम में गया बच्चा छोड़ने भोंदर, और जब ये भोंदर लाया था अभी इसको घर में दोनों से थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था दोनों परिवार में। जब लड़ाई हुआ तो ये लड़की था वो माइक फोन किया, माइक फोन किया तो उसको ससुराल से आया उसको साला और 10 आदमी और लेके, और वहाँ से आया से यहाँ से अपना बेटी को लेके चला गया। और जब वहाँ गया था लड़का गया ये अपना दीपक बेटी के लाने, वहाँ से वहाँ गया था अपना ये लड़की के लिए आया घर, और घर आया था वहाँ से ईर्खा देना शुरू कर दिया वो वहाँ पे। जब वहाँ दिया
दिखा दिया था यहाँ के घर, घर से फिर वहाँ बुलाया गया, वहाँ बुला गया से बुला कर इसको जहर खिलाया गया है और मिल के मार दिया इसको साला लोग सारे। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा गांधीनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब पिता और पुत्र का शव स्थानीय लोगों को संदिग्ध अवस्था में घर से मिला। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई, जहां मृतक पुत्र के गले पर चोट का निशान देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जिले के SSP एम तमिलवर्णन ने भी दल बल के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। ये बागबड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर स्थित में एक घर में आज सुबह बागबड़ा थाना को सूचना मिला है कि बाप बेटा दोनों को मृत हुआ है और बेटा करीब 30-35 साल के हैं और बाप करीब 50-55 साल के हैं। राजमोहनी नाम है बेटा का और दोनों जो है संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं और राजमोहनी का जब इन्क्वेस्ट किया है बॉडी का गला में थोड़ा सा निशान आ रहा है और इसमें जो देखने में लग रहा है कि प्रथम दृष्टि मर्डर है। किस कारण के लिए हुआ है, क्या हुआ है, ये हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं उनके पत्नी से और उनके घर पे ग्वाड़ा पे रहते थे खानपुर से, उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और बाकी जो उनके पापा थे वो बीमार चल रहे थे, पिछले 4-5 दिनों से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया उन्होंने और उनके बाड़ी को भी इन्क्वेस्ट करके उनका कैसे मृत्यु हुआ ये भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। वहीं कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल MGM अस्पताल को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। करोड़ों रुपए का सालाना बजट सिर्फ इस अस्पताल के रख रखाव के लिए पारित होता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अस्पताल के रख रखाव की जो व्यवस्था है वह सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए काफी है। 2.5 साल पहले करीब 2 करोड़ की लागत से बने OT का हाल जो है वो बेहाल है। आलम यह है कि ये मॉडल OT के सारे मशीनों के कल पुर्जों में जंग सा लग गया है। अस्पताल के नुमाइंदों ने इसे रेस्ट रूम बना डाला, काफी दिनों तक यहां अस्पताल कर्मी आराम फरमाते नजर आते थे। इस संबंध में जब स्वास्थ्य मंत्री के MGM प्रभारी राजेश बहादुर से बातचीत की गई तो उन्होंने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि मैन पावर की कमी होने के कारण इसका संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। हाल स्थिति इसलिए है कि जो रिक्वायरमेंट है एक अस्पताल को चलाने के लिए आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मॉड्यूलरिटी का, दूसरा है मैन पावर जो फिलहाल हमारे पास कमी है। मैन पावर के लिए जैसे हमारे पास सर्जन वगैरह आ जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर आते हैं तो उसको शुरू करेंगे, और तीसरा है जो उसका टेबल या जो लीक्स है वो सबको ठीक कराना, वो ऑलरेडी हम लोग अधीक्षक महोदय को बोले हैं और वो उसका टेंडर करके उसको ठीक कराएंगे। तो ये हमको लगता है 1 महीना का काम, 1 से 1.5 महीने का मेरे शुरू करेंगे। वहीं जमशेदपुर नेत्र रोग सोसाइटी द्वारा 13 और 14 मार्च को गोलमुरी क्लब में झारखंड नेत्र रोग सोसाइटी का 19वां वार्षिक राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं वो शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सोसाइटी के सचिव विवेक केडिया ने बताया कि इस सेमिनार में नेत्र रोग से संबंधित जानकारी देश भर के नेत्र रोग विशेषज्ञ जो है वो साझा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। डॉक्टर हरवंश लाल दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से JJ हॉस्पिटल के डीन पद्मश्री डॉक्टर TP लहाने आ रहे हैं, जिन्होंने कि गरीबों के नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अतुल्य काम किया है। मुंबई से ही डॉक्टर रागिनी पारिक, नागपुर से डॉक्टर प्रशांत बवंकुले, इंदौर से डॉक्टर अमित पोरवाल और हमारे करीब कलकत्ता से डॉक्टर पार्था विश्वास जो कि एक जाने माने नाम है हमारे शहर में, तो ये सारे गणमान्य नेत्र चिकित्सक उपस्थित रहने वाले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विन TV।